करीब 7 से 8 महीने हो गए, लेकिन अभी तक इस वायरस से बच पाने का इलाज नहीं मिल पाया है, बल्कि दिन ब दिन इस बीमारी से जुड़े लक्षणों की गिनती बढ़ती जा रही है। लगता है मानो ऐसा कोई लक्षण या शरीर में ऐसी कोई कमी रह ही नहीं गई जो कोरोना का लक्षण ना हो। ऐसे में सबसे ज्यादा दिक्कत जिस वर्ग को आ रही है वो है छात्र वर्ग, जिसमें 3 साल के छोटे बच्चे भी हैं। वहीं देश के अलग अलग विश्वविद्यालयों में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाले स्टूडेंट्स भी हैं। लेकिन समस्या छोटे बच्चों की ज्यादा है, जो ऑनलाइन क्लास तो ले रहे हैं, लेकिन लॉकडाउन की वजह से काम ठप पड़ जाने की वजह से अभिभावक अपने छोटे बच्चे के बिना स्कूल जाए पूरी फीस देने के लिए तैयार नहीं है। जी हाँ, परेशान अभिभावकों का कहना है कि जीवन यापन के जब सीमित संसाधन हमारे पास बचे हैं तो हम स्कूलों की इतनी मोटी फीस कैसे चुका पाएंगे। फिर पेरेंट्स का ये भी कहना है कि जब ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं तो एक्टिविटी या डेवलपमेंट चार्जेस हम क्यों दें। इस मुद्दे को लेकर देश भर के अभिभावक तमाम माध्यमों के जरिए केंद्र सरकार तक अपनी बात पहुँचाने की कोशिशें कर रहे हैं। सबसे ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं सोशल मीडिया का। इस सप्ताह चले नो स्कूल 2021 जीरो फी 2021 ऑनलाइन अभियान में अभिभावकों ने पीएम मोदी के कार्यक्रम मन की बात के लिए टोल फ्री नंबर 1800117800 पर अपनी बात कही। कोरोना लॉकडाउन के दौरान स्कूल फीस में छूट की मांग या फिर पूरी फीस माफ करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी जनहित याचिका दायर की गई है। कहा गया है कि बिना कोई सेवा दिए स्कूलों का फीस और अन्य खर्चों की मांग करना अवैध है। स्कूल के एडमिशन फॉर्म में ऐसा कोई मेजर क्लॉज नहीं है। स्कूल अपने यहाँ के एडमिशन फॉर्म के नियमों और शर्तों को मानने के लिए बाध्य है। पेरेंट्स का साफ कहना है कि अगर स्कूल खुल भी जाएगा तब भी वैक्सीन नहीं बन जाने तक अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे। तो ऐसे में महामारी के दौरान स्कूल फीस में बड़ी रियायत मिले या फिर पूरी फीस माफ की जाए। आपको बता दें, 14 साल तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन दिलाना संवैधानिक अधिकारों में आता है। केंद्र सरकार प्रज्ञाता जैसे कार्यक्रमों के जरिए मुफ्त ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा दे रही है, लेकिन राज्य सरकारें अपने प्राइवेट स्कूलों के साथ जाकर खड़ी हो गई हैं। अब इस मुद्दे पर आगे क्या माहौल बनता है ये देखना होगा, क्योंकि मुद्दा गंभीर है और अभी इस तरफ कोई खास ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जबकि ये मुद्दा देश के भविष्य से जुड़ा है। ऐसे में इस मुद्दे को प्राथमिकता दिया जाना जरूरी है।